देश में दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में आज बसपा सुप्रीमो मायावती एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। जैसे जैसे चुनाव प्रचार खत्म होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही देश में चुनावी पारा बढ़ता ही जा रहा है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा पहुंची, यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। अकेले एक ही कम्युनिटी के लोगों को नहीं, एक ही ब्रादरी के लोगों को नहीं, बल्कि शुरू कास्ट में जो विभिन्न जातियां आती हैं, तो उनको हमने चुनाव लड़ने का मौका रिजर्व सीटों पर दिया है। उन्होंने इस रैली में फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा और फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा बसपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली में दोनों ही प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। तो आगरा आगरा से लगी हुई फतेहपुर सीकरी की सीट है, तो यहाँ हमने अपर कास्ट समाज में से तो खास तौर से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इस प्रकार से हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की उनकी तादाद को ध्यान में रखकर हमें उचित भागीदारी दी। हालांकि आज आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से और यहाँ अपने क्षेत्र से तो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी अपनी चिर परिचित शैली में बसपा सुप्रीमो ने कई कटाक्ष किए। कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की मिल सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों के लिए बनी रही है। आगरा में रैली को संबोधन करने के बाद बसपा सुप्रीमो लखनऊ के लिए रवाना हो गई, इस आशा के साथ कि दलितों की राजधानी से उन्हें एक बार जरूर सफलता हाथ लगेगी। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।